हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वात्सल्य। आज हम एक और सब्जी बनाना सीखते हैं जिसका नाम है गांठ गोभी। ये मार्केट में तो आपने देखी होगी, लेकिन आज हम इसको बनाना सीखेंगे। इसके ये वाला पोर्शन काट दीजिए, इसको हम लोग पहले कट कर लेते हैं। और ये जो टेंडर वाले लीव्स होते हैं, इनको आप वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं। इस वेजिटेबल गांठ गोभी को अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है, जिससे इसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी। और इसको बनाने के लिए यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। इसमें डाले जाते हैं थोड़े से मटर, अनियन, टमाटो, क्यूमिन सीड्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, और अगर आप चाहें तो इसमें गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं गांठ गोभी की सब्जी। इसके लिए हम डालेंगे इसमें ऑयल, टू टेबलस्पून ऑयल ले लीजिए। इसके बाद इसको गर्म होने देते हैं। इसमें डालेंगे हम लोग क्यूमिन सीड्स, अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इस मसाले को अच्छे से हम लोग भून लेते हैं। इसमें डालेंगे हम टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, आप ग्रीन चिल्ली भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग, मेन भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे हम टमाटो पेस्ट। ये हम मसाला हो चुका है अच्छे से, अब इसमें हम डालते हैं गांठ गोभी। आप मार्केट से टेंडर वाली गांठ गोभी लेके आइएगा। एक गांठ गोभी जो होती है वो बहुत मोटी सी होती है, उसमें जाले पड़े होते हैं, वो अच्छी नहीं बनती है टेस्ट में। इसके आप पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं इस सब्जी के। ये देखिए, और जब ये वेजिटेबल बनती है तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस जो है वो रहना चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं हम मटर, गरम मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ये देखिए इसमें मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी,
हम इसको टू विसल लगाने के लिए रख देंगे। ये देखिए गांठ गोभी की सब्जी रेडी हो गई है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अगर तो आप मार्केट से टेंडर वाली गांठ गोभी लाएंगे तब तो ये दो स्टीम में हो जाएगी, और अगर थोड़ी सी हार्ड होगी तो आपको इसको टू या थ्री या फोर स्टीम्स लगवानी पड़ेंगी। पर मैं आपको यही राय दूंगी कि आप इसकी टेंडर वाली जो है वही गांठ गोभी उठाएं जिसके लीफ भी ग्रीन हो। ये देखिए ये हो गई हमारी लंच की प्लेट तैयार। ये गांठ गोभी जो है राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, इसको आप राइस के साथ बना के खाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।